रब भगवान ने तुम्हें उस कौम में जन्म दिया जिसमें जन्म पान 70 लोग तरस देख रहे हैं, या उस जाट कौम में जो खुद में ही एक ब्रांड रेस है। हमारे भीतर जो खून दौड़े है ना, उसे 75 लोगों में होड़ मचे है। हम जट्टों का डीएनए सबसे शुद्ध है, जो मुश्किल से कहीं मिलता नहीं। और इस बात का अंदाजा तुम जट्टों के हाव भाव ने नक्शे शक्ल कद सही देख के लगा लियो। और यो तो शहरी जट्टों ने अपना डीएनए मिक्स कर दिया और मैं जिसका खामियाजा गे इनके बालक भुगते हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हुए हैं। और इन प्यार के चोचलों में आके जो तुम और धर्म जाति और सेम गोत्र में ब्याह करो, इसे करके तुम अपने ही ना बल्कि अपने आने वाली नस्ल और जाट कौम नहीं बर्बाद कर दोगे। जिस ताकत के लिए कौम जानी जाती तुम उसे ही कमजोर कर दोगे। और अपनी गिनती शेर शेरनियों से हटवा के गिद्दर लोमडी में करवा लोगे। अरे एक बात याद रखियो, अगला कोई कितना ही हैंडसम और अगली कोई कितनी सोनी हो, सब फेल हो जाएंगे जब जाट नहीं गैल जाट और जाट गैल जाट नहीं खड़े पावेंगे। और अगला कोई कितने ही बड़े करोड़पति हो पर जाटों वाला रुतबा ना कमा पावेंगे। और याद रखियो, यह दुनिया जब ही खड़ी लखावेगी जब जाट के जाट नहीं बिहा के आवेगी।